गौरी शंकराय नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत जीवन को मंगलमय बनाता है। मंगला गौरी का व्रत धारण करके और विधि विधान से जो भी भक्त संयुक्त रूप से शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी समस्त मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह को बेहद शुभ माना गया है। इस पूरे माह में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस माह के सोमवार शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माने गए हैं। सावन माह में प्रत्येक सोमवार को व्रत करने का जितना महत्व होता है, उतना ही महत्व मंगलवार को व्रत करने का भी होता है। भगवान भोलेनाथ की तरह ही माँ गौरी को भी सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। इस माह में प्रत्येक मंगलवार को व्रत किया जाता है, जिसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को था। इस दिन माँ गौरी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। ये व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की कामना के लिए करती हैं। धर्मशास्त्र में इस व्रत को करने के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। और हाँ, मंगला गौरी का व्रत सुहागिन महिलाएँ भी धारण करती हैं और कुंवारी कन्याएँ भी। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से माँ गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की कामना के लिए करती हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार मंगला गौरी व्रत वाले दिन विधि पूर्वक माँ गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है व दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम बना रहता है। इस दिन व्रत करने से आपके दाम्पत्य जीवन के साथ ही पूरे घर में भी सुख शांति बनी रहती है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली स्त्रियों के लिए भी यह व्रत बहुत शुभ फलदायी होता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो उन्हें मंगला गौरी के व्रत करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन का कलह, कष्ट व अन्य सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। इस व्रत को रखने से कुंवारी लड़कियों की शादी की राह आसान हो जाती है। पर जिन लड़कियों के मंगल योग के कारण शादी विवाह में रुकावट आ रही है या देरी हो रही है, वह श्रावण मास में मंगलवार को आने वाले मंगला गौरी का व्रत जरूर रखें। जन्म कुंडली में दोष के कारण विवाहित जीवन में बहुत परेशानी आ रही है या दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी आ रही है, बहुत उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं हुई, इस तरह की परेशानी है, तब भी आपको मंगला गौरी का व्रत धारण करना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत धारण करने से जीवन मंगलमय हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि किसी भी प्रकार का अमंगल हो आपके जीवन में, वो दूर हो जाता है। और व्रत सावन के महीने में ही प्रारंभ किया जाता है। सावन में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को यह व्रत किया जाता है। और 19 जुलाई को सावन का पहला मंगलवार था जो गौरी व्रत था। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मंगल गौरी व्रत की विधि क्या होती है, पूजा किस प्रकार की जाती है, भोग क्या अर्पित करना चाहिए, व्रत अगर आप कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत किस प्रकार खोलना चाहिए, सुबह या शाम को, या फिर माँ मंगला गौरी की कृपा पाने के लिए किस वस्तु को विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो मनोकामना हो मंगला गौरी की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया, सावन की शुरुआत 14 जुलाई से हो चुकी है। सावन का माह का अंत 12 अगस्त को होगा। इस सावन में चार मंगलवार पड़ रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई 2022 को था और दूसरा मंगला गौरी व्रत 26 जुलाई 2022 को होगा और तीसरा मंगला गौरी व्रत 2 अगस्त 2022 को होगा और चौथा होगा 9 अगस्त 2022। मंगला गौरी व्रत का मंत्र इस प्रकार है,
सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्ध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री। मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री में महिलाएं 16 चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले तो हम एक चौकी या वेदी ले लेंगे और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लेंगे और उस पर एक कलश की स्थापना करनी। तो जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि कलश में जो है आम का पत्ता और सुपारी हल्दी अक्षत ये सभी चीज़ें डालकर जल से भरकर कलश स्थापित कर देंगे और गेहूं के आटे से बना हमको चौमुखी दिया लेना है और उस आटे में हमको नमक नहीं डालना, बिना नमक डाले ही ऐसे ही इसको बनाना है और 16 कपास से बनी 4 बातियां लेनी और है। देवी मंगला गौरी की मूर्ति बनाने के लिए हमको मिट्टी लेनी है। तो अगर आप मिट्टी से अच्छी सी मूर्ति बना सकते हैं तो मूर्ति बना सकते हैं, बना लीजिए, या फिर ऐसे ही आप उसको जैसे कि हम गौरी गणेश बनाते हैं उसी तरह से गौरी और गणेश बना लीजिए। गणेश पे आप जो है कलावा लपेट सकते हैं और अभिषेक करने के लिए पानी, दूध, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और चीनी का मिश्रण जो होता है पंचामृत उसको लेना है। देवी गौरी के लिए कपड़े आप चुनरी या साड़ी जो भी आपके पास है आप उसे ले सकते हैं और भगवान गणेश जी के लिए जनेऊ और पवित्र लाल धागा, रोली या सिंदूर, चावल या रंग गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल या 16 प्रकार के फूल। अगर आपको 16 प्रकार के फूल मिल जाते हैं तो आप 16 प्रकार के फूल ले लीजिए या फिर एक ही फूल को 16 ले लीजिए। देवी माँ मंगला गौरी के व्रत में और पूजा में जो है 16 चीज़ों का और 16 अंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। खड़े मूंग की दाल और जीरा जो हम अपने घर में यूज करते हैं उस वही साफ़ सुथरा उसे रखना चाहिए और पूजा के समय जो है 16 ढेरी लगानी चाहिए हमको गेहूं की, जो षोडश मातृकाओं के रूप में मानी जाती है। और चौकी के दाहिनी तरफ चावल की ढेरी रखकर उस पर पान के पत्ते पर गणेश जी को स्थापित करें और चौकी के बाईं तरफ गेहूं की ढेरी लगाकर उस पर कलश की स्थापना के लिए इतनी सामग्री की ज़रूरत होगी। आम के या बेल के पत्ते हैं उन्हें भी 16 ले लीजिए। फल अगर आपके पास कोई है तो फल ले लीजिए और गेहूं, लौंग, इलायची से बने 16 लड्डू, 7 प्रकार का अनाज, 16 पंचमेवा या 5 प्रकार के सूखे मेवे, 16 सुपारी, लौंग और सुहाग का पिटारा जिसमें सिंदूर, काजल, मेहंदी, हल्दी, कंघी, तेल, दर्पण और 16 चूड़ियां, पैर की अंगूठी के छल्ले, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, हेयर पिन आदि आप जो भी इसमें रख सकें और नैवेद्य के लिए प्रसाद में जो भी आपके पास है। मंगला गौरी व्रत रखने के लिए मंगलवार को सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, हो सके तो नए कपड़े पहने और मंगला गौरी का व्रत रखने के लिए मंदिर में पार्वती जी की प्रतिमा जरूर स्थापित करें। शिव पार्वती पूरा परिवार हो तो पूरा परिवार भी रख सकते हैं और जो आपको मिट्टी की पार्वती और गणेश बनाने हैं वो भी रखे जाएंगे। पूजा के दौरान सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, इसके बाद भगवान शिव व माँ पार्वती की आरती करें। माँ गौरी की प्रतिमा के सामने आटे से बना दीपक में 16 बातियां लगाकर जलाएं, इसके बाद माँ गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। पूजन के बाद माँ गौरी की कथा सुनें, आरती करें। मंगला गौरी के व्रत के दिन एक ही समय अन्न ग्रहण किया जाता है। मंगला गौरी के व्रत के दिन इस मंत्र का जप जरूर करें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वर्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम करिष्ये। अगर आप माँ मंगला गौरी का व्रत ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना आप इसको जैसे सिंपल वे में होता है उसी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे उद्यापन के समय अच्छे से संपूर्ण विधि के साथ करें। अगर आपके पास 16 सुहाग की सामग्री हो तो आप पहले ही जो पड़ता है मंगला गौरी व्रत उसी में अर्पित कर सकते हैं या फिर किसी भी व्रत में अर्पित अवश्य करें। यदि आपके पास श्रृंगार की सामग्री नहीं है तो कम से कम सिंदूर तो आप हर बार माँ को अर्पित करें।
माँ गौरी को सिंदूर लगाने के बाद आप उसी उंगली से अपने मांग में भी सिंदूर भर लें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माँ गौरी को गुड़ अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि उन्हें गुड़ बहुत प्रिय है। और पूजा संपन्न होने के बाद जो भी मन की मनोकामना है उसे आप माँ गौरी के सामने कहें। और पूजा में किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि हमें व्रत खोलना कब है और क्या खाना है। तो देखिए, दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, जूस, फल, दूध, चाय, और शाम की पूजा के बाद मीठा भोजन। इसमें आप एक अनाज ले सकते हैं और वो जो है मीठा होना चाहिए। आप खीर या फिर दलिया, हलवा कुछ भी ले सकते हैं, उससे ही व्रत खोलना चाहिए। माँ मंगला गौरी के व्रत में नमक नहीं लिया जाता है। और अगले दिन जो है शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप व्रत करें, व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप माँ मंगला गौरी की पूजा अवश्य करें, इससे भी आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो माँ मंगला गौरी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज मैंने आपको दी है। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नए हैं, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि अगली जो मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही कोई जानकारी अच्छी से लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।